अबा कोई अब्बा अब्बा नहीं है, अच्छा आदमी हूँ मैं, अब्बा 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 बनाया बोला कर। अस्सलामुअलैकुम। हाँ तो भाई कैसे हैं आप लोग, सब ठीक ठाक हैं? खैर उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। और आज जो है 11 मुहर्रम हो गए, पापा ने बोले कि पापा ने कहा यार कल बारिश हो जाए, तो कल तो बारिश हुई नहीं। आज जब उठे हैं तो सुबह से बहुत लाइट वाले दिन कर रहा था, पर आज जब उठे में आधे एक घंटा हो चुके हैं, बारिश जो है माशाल्लाह सुब्हानअल्लाह बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, बहुत ज़्यादा। ठीक है देखो भाई ये बताऊँ, माशाल्लाह सुब्हानअल्लाह भाई बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़, और आधा पौन घंटा हो चुका है बारिश होते हुए। देखो यार गाइस, तो आज तो मुझे लग रहा है सारे काम कैंसिल, हर चीज़ कैंसिल होगी। तो आज तो बस बाहर भी पानी भर चुका है, बाहर में जाने का मोबाइल में पानी नहीं चलाएगा, तो इस वजह से तो अभी जा रहे हैं नाश्ता करने। बारिश इसकी तो जो आप मिलता है फिर वही खाने में जो है पावा चुके हैं, हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है, सही बताऊँ बारिश के बाद। हाँ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बॉस? देखने आज 10 दिन के बाद मैंने फिर टेंट वगैरह किया, अल्लाह के करम से उसमें मेरे मालिक का एहसान है। और इसने अभी मेरे बच्चे ने एक बात की थी कि ओहो माशाल्लाह क्या प्यारी हवा है, और हमारा डोगी भी घूम रहा है, इंजॉय कर रहा है। तो अभी हवा बहुत प्यारी है, कल जो मेरी वाइफ ने चने वाली बिरयानी बनाई थी, लंगर किया था चने वाली का, तो मैं अपने दोस्तों में मैंने वलीद को भेजा मंगवाई थी, तो सारे दोस्तों ने आतंक तारीफ़ की, और वो आपको मैं दिखा नहीं सका, सॉरी। इसलिए कि वलीद ने कह दिया था कि 9-10 को हम लोग कोई ब्लॉग नहीं बनाएंगे, तो आज से हम बनाना शुरू हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला एंजॉय करेंगे आप। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को, जितने भी मेरे भाई दोस्त बहन बुजुर्ग बच्चे जितने भी हैं, सबको पाकिस्तान जिंदाबाद, 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। और इस टाइम हम 75 में सिल्वर जुबली बनाने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला 14 अगस्त को कुछ ना कुछ नया करेंगे और कुछ ना कुछ नया दिखाएंगे आपको अल्लाह के करम से, तो एंजॉय कीजिएगा। ये देखिए ये मैं खा रहा हूँ मज़ेदार 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 अचार, उफ 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 ये अचार, अचार जो आपकी भाभी के हाथ का है, हम लोग बाहर से नहीं मंगाते अचार, अचार वाइफ मेरी बनाती है। ये लाल मिर्चों की पिसी हुई चटनी, हाय 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 हाय। और अभी बारिश हो गई थी, नहीं तो इरादा था आज हमारा कि मछली मंगाते, दाल चावल और मछली फ्राई, आए हाय क्या आ जाता, मज़ा आ जाता, मगर नहीं है आज। चलो फिर कभी इंशाल्लाह ताला तो आपको भी दिखाएंगे अल्लाह के करम से। तो आज मेरी सबसे छोटी बेटी की तबीयत ख़राब है, रहमा की, तो थोड़ा सा उसके नखरे भी उठाने हमने, तो हम अब भी उस बेटी के नखरे भी उठाएंगे, फिर मिलते खाने के बाद। टेक केयर। मैं बैठा हूँ इधर अपने YouTube के चैनल पर जो तैयारी के मराहिल में है, और इंशाल्लाह ताला 14 अगस्त को आप बचे हैं पूरे पूरे 3 दिन, 4 दिन नहीं कहूँगा, इसलिए कि आज 10 तारीख हो गई है, और 12 बजे के बाद जब ये व्लॉग जाएगा आप लोगों तक पहुँचेगा वली शेख का व्लॉग, तो 11 तारीख हो जाएगी। तो आज आपको लग रहा है ना आपका भाई सफ़ेद खान लाल बादशाह वाला वली शेख सिकंदर सनम वाला वली शेख लग रहा है ना। तो दोस्तों ये हमारे साथ हैं बहुत अच्छे हमारे दोस्त, हमारे भाई अचलान, जिन्हें आप फुकरा की मस्ती में देखते होंगे, और ये फिर आ गए बबलू। कुछ कहना चाहते हैं आप बबलू साहब? मैं यही कहना चाहता हूँ माशाल्लाह 14 अगस्त को हमारी ओपनिंग है, तो आप सब भाई आए माशाल्लाह एंजॉय करेंगे जी भाई, और इन सब की माशाल्लाह वो भी है यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी का 2 घंटे का ना, तो सब आइएगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक रहम करे बस, बाकी दुआ करे बारिश अब रुक जाए सरकार। कुछ खबरी सुनाता हूँ आप में कि 14 अगस्त को वाकई कैफे बबलू का इब्तदा है, और यहाँ हर चीज़ खाने पीने की मिलेगी आपको, और आपको एक खुशखबरी जब आएंगे तब मिलेगी, और हमारे YouTube चैनल का भी इब्तदा उसी दिन है, तो इंशाल्लाह ताला उस दिन जाकिर मस्ताना, शकील शाह, परवेज सिद्दीकी, सबा शेख, वली शेख, ये सब नज़र आएंगे, और बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनका नाम मैंने
सिफराज में रखा हुआ है, जो अचानक इन लोगों को भी पता चलेगा, मेरे दोस्तों को भी पता चलेगा, भाइयों को भी पता चलेगा कि मेरी जान है। 14 अगस्त के हवाले से आवाम को भरपूर दावत दूंगा कि इस शख्स की बड़ी मेहनत है फूड के हवाले से, और 14 अगस्त के दिन जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस दिन इस खुशी की उसमें रखा है, ये डिले किया है इसने, तो आप आए देखें और टेस्ट करें इंशाल्लाह ताला, और इससे मोहब्बतें भी लें। आपको शायद अंदाजा नहीं है, ये जो इसने बंदा बुलाया है चाय वाला और पराठे वाला, वो बहादुराबाद का मशहूर तरीन पकाने वाला बंदा है और खान बंदा है, पठान बंदा है, और उसने कह दिया वाली भाई आप होएगा सफेद खान, लेकिन हम भी इधर आपको बताएगा कि कैसा पिज्जा पराठा मिलता है, चीज पराठा मिलता है, आलू का पराठा मिलता है। उसने काफी पराठे बता दिए, तो मैं कह रहा ये शायद इधर ही ना तल दे, कोशिश की थी। आज आप थोड़ा सा ये देखेंगे जब, तो आपको अंदाजा होगा। तो मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, और जो जो देखे जरूर मुझे इसका जवाब दे कि आज का कराची का मौसम कैसा था, चीचो तुम बताओ। बहुत ही अच्छा मौसम, इज रियली ऑसम इन कराची यार, जो बात है। कसम से आज का ऐसा मौसम था कि आप लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ नया करूँ, तो मैं अपने आप को कम से कम 25 साल पीछे लेके जा चुका हूँ, जैसे कि सिकंदर सनम और मैं थे साथ, तो मैं अपने आप को आज वैसा ही महसूस कर रहा था और कर रहा हूँ अब मैं। और आज का मौसम ऐसा अच्छा था, इतना मज़ेदार था कि आज मैंने कम से कम 3 से 4 बार अपनी वाइफ को यूं करके देखा, मगर उसकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई। तो मैं सोच रहा हूँ कि नींद की गोली खा के सो जाऊं। पीछे एक सफ़ेद खान, आज मेरा दोस्त सिकंदर सनम की मुझे याद आई, तो एक शेर उसका बड़ा ज़बरदस्त था जो वो बोलता था, तो मैं आज वो शेर आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ जो मुझे बहुत याद है आ रहा है आज वो, कि दिल तोड़ने वाले दिल का दर्द क्या जाने, दिल तोड़ने वाले दिल का दर्द क्या जाने, इश्क के रस्मों रिवाज जमाना क्या जाने, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है, 100 रुपए के फूल डालने वाला क्या जाने।